थे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नॉर्दर्न पाकिस्तान के तकरीबन 80% 90% कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आ चुके हैं, बड़ी खुशी से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। हमारे एहसान दानी साहब जो है ना वो स्कर्जू पप्पू से यहाँ पे आए हैं, हमारे पाकिस्तान के हमारे चतराल के भाई यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे हुंजा से गिलगित के भाई आए हुए हैं, गरम चश्मा से हमारे भाई यहाँ पहुँचे हैं, इवन अफगानिस्तान के बॉर्डर से अब्दुल्ला साहब जो है रंधू से यहाँ पे आए हैं। तकरीबन 10-11 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो अपने आप को माइनॉरिटाइज किया हुआ है। किसी एक फॉरेन प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि माइनॉरिटाइज की एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैंने कहा माइनॉरिटी की एग्जांपल सारी पाकिस्तानी जुबानें मतलब बड़ी जुबानों को छोड़ के हैं, लेकिन माइनॉरिटाइज की जो एग्जाम्पल पाकिस्तान में हो दुनिया में किसी भी जुबान की नहीं है, और वो है पंजाबी। वही जुबान है जिसमें कोई आपको अकेडमी नहीं मिलेगी, कहीं पर किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, इवन उसके जो स्कॉलर हैं वो अपने बच्चों के साथ उर्दू और अंग्रेजी में बात करते हैं। तो सॉरी मैं चैलेंज जिसकी तरफ जा रहा था, ये भी चैलेंज है। आपने बात की थी इंटरनल कॉलोनाइजेशन की और वो कैनिबलिज्म की बात की थी, तो वो कैनिबलिज्म जो लैंग्वेजेस की हो रही है वो हमारे यहाँ के अंदर से भी हो रही है। पश्तो हमारी जुबानों को खा रही है, हमारी गौरी को, बिलाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो पादराग से बल्कि श्रीनगर से गौरी को खाना शुरू कर दिया था, अभी तकरीबन गलकोट तक पहुँच चुकी है, तो अभी गलकोट से आगे फिर खैर करे आगे इनकी बारी है लामुतई और थल की। बहुत शुक्रिया।